वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये अति प्रतिष्ठित कॉलेज जिन्होंने इस समाज में आध्यात्मिक धर्म, त्याग, बलिदान और अधर्म के खिलाफ संघर्ष किया, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से ये प्रतिष्ठित कॉलेज है और इस प्रतिष्ठित कॉलेज में आप सब विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिला है। आप सबके लिए ये स्वर्णिम समय भी है और स्वर्णिम काल भी है। आज इसके एनुअल डे के कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत सरकार के पूर्व मंत्री, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर किस तरीके से सिख गुरुद्वारा कमेटी के माध्यम से सिख धर्म के माध्यम से मानव कल्याण के लिए काम करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है, सरदार मनिंदर सिंह सिरसा जी और इस कॉलेज के चेयरमैन श्री एमपीएस चड्डा साहब, इस कॉलेज के प्रिंसिपल जसविंदर सिंह जी, मंच पर विराजे सभी सिख गुरुद्वारा कमेटी के मेंबराम पदाधिकारीगण, अतिथिगण, विद्यार्थी साथियों, और इस कॉलेज में इन विद्यार्थियों को अध्ययन प्रशिक्षण संस्कारित करने में अपना योगदान देने वाले सभी प्रोफेसर, अध्यापक और जिनका सहयोग कर रहे हैं सभी स्टाफ के लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबका सौभाग्य है कि जिनके नाम से ही हमें प्रेरणा मिलती है, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन, उनका जीवन दर्शन उस परिस्थिति के अंदर धर्म के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, जिन्होंने समाज के शोषित व्यक्ति के लिए संघर्ष किया, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी उन्होंने कभी भी जीवन में अपने रास्ते को नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन दर्शन केवल सिख समाज नहीं, संपूर्ण समाज को आज भी प्रेरणा देता है, आज भी दिशा देता है। और इस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो विशेष रूप से कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, उनके जीवन के दर्शन के ज्ञान को जितना आप प्राप्त करेंगे शायद उतना ही बेहतरीन काम अपने जीवन के अंदर कर पाएंगे। यह आप सबके लिए एक जीवन का स्वर्णिम समय है कि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
जिस कॉलेज की प्रतिष्ठा पूरे देश के अंदर है, जो कुछ भी आप ज्ञान अनुभव शिक्षण प्रशिक्षण यहां प्राप्त करके जाएंगे, वह आपके जीवन में हमेशा, यहां जो कुछ भी संग्रहण किया है संचय किया है वो जीवन पर्यंत आपको दिशा देगा, मार्गदर्शन करेगा और कोई भी चुनौतियों से लड़ने की साहस देगा, शौर्य देगा। और जीवन में शौर्य के साथ, आध्यात्मिक के साथ आप जीवन की हर चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम होंगे। मैं भी कॉमर्स का एक विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन कॉमर्स का विद्यार्थी परिस्थितिवश रहा हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी से जीवन का एक लक्ष्य बना कि सामाजिक राजनीति जीवन में काम करना है, तो मैं साइंस मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था स्कूल तक। लेकिन जीवन का लक्ष्य और दिशा तय थी और उस दिशा की ओर ही बढ़ना था, तो उस समय कोटा में दो कॉलेज हुआ करते थे, एक कॉमर्स कॉलेज जो नया बना था और एक जो पुराना कॉलेज था जिसमें आर्ट साइंस और सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे। क्योंकि कॉमर्स कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या उस कॉलेज के अनुपात में संख्या एक चौथाई संख्या थी, तो मैंने फैसला किया कि अगर मैं बड़े कॉलेज में जाऊंगा तो यहां पर स्थापित नेता है डॉक्टर हर्षवर्धन जी की तरह, अब इतने साल से चुनाव लड़ रहे हैं तो नए आदमी को कैसे मौका मिलेगा, तो व्यक्ति दूसरी जगह ढूंढता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे चुनाव लड़ने में 5-6 साल लगेंगे और इधर जाऊंगा तो शायद मैं 1-2 साल में चुनाव लड़ सकता हूं। तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया स्कूल के बाद, लेकिन मेरी रुचि मेरा लक्ष्य तय था। तो जीवन के अंदर भी व्यक्ति को प्रारंभिक रूप से अपने लक्ष्य तय रखने चाहिए, कुछ दिशा भी तय रहनी चाहिए। उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है, बहुत परिवर्तन भारत में भी हुआ, दुनिया में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, डिजिटल का नया युग शुरू हुआ है। अब डिजिटल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नया युग शुरू हुआ है और उससे मुझे लगता है कि 10 साल बाद और नया युग शुरू होगा, जब किसी दूर दराज के अंतिम छोर में भी बैठकर व्यक्ति देश और दुनिया की पढ़ाई कर सकेगा। लेकिन वो अकेला पढ़ाई तो कर लेगा, लेकिन जो कॉलेज में पढ़ने का जो शिक्षण प्रशिक्षण जो वातावरण माहौल जो मिलता है वो डिजिटल शिक्षा से नहीं मिल पाता। कई लोग हमसे चर्चा करते थे कि अब समय आ जाएगा, डिजिटल का युग शुरू हो चुका है, कोरोना में डिजिटल का युग भी हमने देखा है, और उस समय के दौर के बाद बच्चे के मां बाप भी और बच्चा भी कहा मुझे स्कूल जाना है कॉलेज जाना है, जिंदगी तो वही है। तो कॉलेज में एक अच्छा वातावरण रहता है, हमें आपस में एक दूसरे के अनुभवों का, एक दूसरे के सीखने का बहुत अनुभव प्राप्त होता है, अपने मित्र लोग बनते हैं, कुछ कॉलेज के बाहर कुछ कॉलेज के अंदर सीखते हैं। और इसलिए जीवन में हमारे लक्ष्य तय होने चाहिए,
क्योंकि कॉमर्स विद्यार्थियों का विषय के अंदर कुछ सीमित है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, कोई कंपनी सेक्रेटरी बन जाएगा, आप नए बच्चे बीबीए कर लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर हमने लक्ष्य तय कर काम किया, क्योंकि सिख फैमिली से हैं तो सिख फैमिली ज्यादातर व्यापार करती है, व्यापार भी कठिन से कठिन काम, कड़ी मेहनत, वो सिख जीवन का हिस्सा रहा है। आप किसी भी पहाड़ के अंदर चलाए जाएं, किसी दूर दराज के इलाके के अंदर चले जाएं, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, उस दुनिया के हिस्से के अंदर भी वहां के आर्थिक और सामाजिक योगदान में सिख समाज का योगदान रहा है। ऐसा कोई देश नहीं जिस देश के अंदर सिख समाज ने वहां के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को परिवर्तन नहीं किया। विशेष रूप से खेती किसानी के अंदर तो कई देशों के अंदर वहां की एग्रीकल्चर ग्रोथ और नई इकोनॉमी एग्रीकल्चर की खड़ी करने में सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए आपके जीवन में लक्ष्य तय होने चाहिए कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। आप अगर कंपटीशन से एग्जाम देकर अगर सरकारी सेवाएं करना चाहते हैं, निजी सेवाएं करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा के साथ साथ वो सारे के सारे ज्ञान अनुभवों को अभी तक प्राप्त करना चाहिए। आप सिविल सर्विस के अंदर जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस के लिए जो पाठ्यक्रम है उसको अभी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीकॉम करने के बाद आप सिविल सर्विस में जाएंगे और आप फर्स्ट ईयर से सिविल सर्विस की पढ़ाई करने लग जाएंगे तो शायद आपका जो कुछ भी ज्ञान का जो संचय हुआ है, जो अनुभव हुआ है, उसका लाभ आपको हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पास करने में वह आपके लाभदायक। और जीवन में जब लक्ष्य तय होते हैं तो उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य भी होती है, शक्ति भी होती है। भारत के नौजवानों की सामर्थ्य, शक्ति, इनोवेशन की ताकत अब दुनिया देख रही है। आज हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप का एक दुनिया नई खड़ी कर दी है। हर चुनौतियों का समाधान हमारे नौजवान दे रहे हैं और इसीलिए ये आपके लिए सबसे स्वर्णिम समय भी है और इस देश के लिए भी स्वर्णिम समय है। जब आने वाले समय के अंदर, आज एक पहले समाचार कभी आता था, हम कहते थे कि आबादी अभिशाप है, आबादी बढ़ गई है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश हो गया है। शायद वो समय होता तो अखबार न्यूज चैनल वाले लिखते कि भारत पर नया संकट आने वाला है, आबादी जिस तेजी से विस्तार हो रहा है वो भारत के लिए अब अभिशाप होगा। लेकिन अब अखबार टीवी वाले चैनल के भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो गया है, आने वाले समय के अंदर स्किल्ड रूप में और हमारे नौजवानों की ताकत और सामर्थ्य के कारण अगर दुनिया में नेतृत्व करेगा तो भारत करेगा, ये ताकत हमारी जनसंख्या की है। इसलिए डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, इन सब में दुनिया में भारत सबसे आगे है। भारत से लोग सीखने आते हैं, हमारे संसदीय लोकतंत्र को सीखने आते हैं, हमारे ज्ञान अनुभव को सीखने आते हैं, हमारे आध्यात्मिक धर्म को समझने आते हैं, यहां पर उस धर्म से शांति प्राप्त करने आते हैं,
हमारा योग आज दुनिया के अंदर लोगों को स्वस्थ करने का काम कर रहा है। कितनी जल्दी परिस्थितियां परिवर्तन होगी। कोई दौर आया था जब हम उस पश्चिम देशों की दौड़ में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते थे, भौतिक साधनों की तरफ देश बढ़ रहा था, लेकिन आज परिस्थितियां परिवर्तन हुई है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, चाहे इकोनॉमी के सेक्टर में हो, चाहे सोशल के सेक्टर में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे नए इनोवेशन के सेक्टर में हो। अब हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय आने वाले समय के अंदर इनोवेशन रिसर्च के बड़े सेंटर होंगे। हमारा नौजवान यहां के जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, सामर्थ्य है, उसका अगर इष्टतम उपयोग करेगा तो भारत के अंदर मानव संसाधन हमारे पास ही होगा और वह मानव संसाधन दक्ष होगा, स्किल्ड होगा, उसके कारण हम नेतृत्व करेंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि आप सब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, अपने जीवन में लक्ष्य तय करें, ऊंचे सपने देखें और उन सपनों को प्राप्त करने के लिए जो हमारा सामर्थ्य है, जो आत्मविश्वास है, जो गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महान पुरुषों से, संतों से प्रेरणा मिलती है, वैसे हमारी विरासत के अंदर जो संत हुए, वैज्ञानिक हुए, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हुए, सेवा क्षेत्र में काम करने वाले हुए, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले हुए, उन्होंने जो कुछ भी भारत को दिया है, आने वाले समय में उस विरासत को याद करते हुए आधुनिकता के अंदर हम देश को क्या दे सकते हैं, हमारा क्या समर्पण होना चाहिए कि जो कुछ भी हमने देश से प्राप्त किया है, हम हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, हमारे संस्कारों से इस देश को कंट्रीब्यूशन भी करें, भारत को आगे बढ़ाने में योगदान भी करें और हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारी शिक्षा दीक्षा से नया दर्शन मिले, नई दिशा मिले। इस कॉलेज में पढ़ने वाले जो अभी के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के ज्ञान अनुभव की चर्चा अब आपसे आने वाला विद्यार्थी करे। इस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी देश और दुनिया में जो नाम ख्याति प्राप्त करें, उसकी चर्चा इस कॉलेज में हो, ताकि वह भी इस कॉलेज में पढ़कर उसी तरीके से देश और दुनिया में अपना नाम प्रतिष्ठित कर सके। ये सब हमें प्रेरणा इस कॉलेज के कैंपस से मिलती है और मुझे आशा है आप यहां से नई ऊर्जा लेकर जाएंगे, नई सामर्थ्य लेकर जाएंगे, नए सपने लेकर जाएंगे और सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से इस कमेटी को जिन्होंने मुझे यहां बुलाया, क्योंकि मैं देखता हूं कि किस तरीके से, चाहे ये कमेटी हो, चाहे सिख गुरुद्वारा कमेटी हो, जिस तरीके से मानवता की सेवा करती है संकट के समय, दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश होगा जहां कोई भूखा नहीं सो सकता और उस भूखे को भोजन कराने का काम करता है तो सिख समाज करता है। ये समाज सब समाजों को प्रेरणा देने वाला समाज है, काम की दृष्टि से, बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए ये समाज सबको प्रेरणा देता है। आपको सौभाग्य कि इस कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिला है, आप यहां से नई प्रेरणा लेके जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।